क्या अगले साल अजमेर में पानी एक बड़ा संकट बनेगा? क्या वास्तव में अजमेर की प्यास केवल एक चुनावी मुद्दा है? आखिर क्यों चुनाव दर चुनाव अजमेर की प्यास को सियासत का मुद्दा बनाकर राजनीतिक दल केवल अपने वोटों की प्यास बुझाते हैं? आखिर क्यों बीसलपुर बांध जैसी बड़ी पेयजल योजना के बाद भी अजमेर के भाग्य में प्यास लिख दी गई है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जल्द अगर जवाब नहीं तलाशा गया तो अजमेर को बहुत जल्द पानी के लिए तरसना पड़ जाएगा। कुदरत ने अजमेर की प्यास बुझाने के लिए इतना पानी दिया कि सरकार इस पानी को संभाल नहीं पाई और यह पानी सीमाओं को तोड़ता हुआ समुद्र में समा गया। लेकिन इस सबके बावजूद अजमेर आज भी प्यासा ही है। सरकारी दावों के विपरीत आज भी 48 घंटे बाद पानी अजमेर में सप्लाई की जाती है, जिससे लोग गुस्से में हैं। बांध का पानी जो है लबालब भरा हुआ था, पानी का व्यर्थ पानी बहाया गया, अजमेर को पानी क्यों नहीं दिया गया? तो मेरी सरकार से ये मांग है कि आप अजमेर जिले को पानी दिए। अगर वितरण सही ढंग से किया जा सकता है, पानी की समस्या का निदान किया। अजमेर की इस प्यास की तासीर को समझना है तो आपको बीसलपुर बांध परियोजना को समझना पड़ेगा। साल 1987 में बीसलपुर बांध परियोजना का निर्माण अजमेर जिले के पेयजल संकट को दूर करने के लिए किया गया था। इसका पहला चरण 1994 में पूरा हुआ तो दूसरा चरण 2011 में पूरा किया गया। इस महत्वपूर्ण परियोजना का तीसरा चरण फिलहाल प्रस्तावित है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। सरकार ने अजमेर को दरकिनार करते हुए जयपुर और टोंक को पानी तो दे दिया, मगर अजमेर में आज भी 48 घंटे बाद पानी की सप्लाई नहीं होती। अर्थ है कि नियमित रूप से स्मार्ट सिटी के तहत पानी की सप्लाई नियमित करें, जिससे कि आमजन को और शहरी वासियों को लाभ प्राप्त हो। बीसलपुर परियोजना से अजमेर के करीब 12 लाख शहरी उपभोक्ता और 18 लाख ग्रामीण उपभोक्ता जुड़े हैं। जलदाय विभाग दावा करता है कि शहरी उपभोक्ताओं को 155 लीटर प्रति व्यक्ति और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 40 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन जलदाय विभाग के ये आंकड़े सिर्फ कागजी हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान के जिन 4 शहरों को 2020 तक गंभीर जल संकट की बात कही गई है, उसमें अजमेर का नाम प्रमुखता से शुमार किया गया है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में गंभीर जल संकट की बात कही गई है। में क्या है कि थोड़ा बहुत व्यवधान आता रहता है, कभी जैसे पावर की ट्रिपिंग आ गई है, हमारा सिस्टम 120 किलोमीटर दूर है, तो ये छोटे मोटे व्यवधान से है, इसलिए वो टैलेंट पे गया कि पानी थोड़ा कभी कभार दिक्कत होती है। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि 48 घंटे में टेल एंड पर भी पानी जाए। अजमेर के जल संकट का सबसे बड़ा कारण जलदाय विभाग की लचर वितरण व्यवस्था है। पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था ना कर पाना भी एक बड़ा मुद्दा है। बीसलपुर को तीसरे चरण में ब्रह्ममाणी नदी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है, लेकिन इसे भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। आय से अधिक संपत्ति